हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत के अलग अलग टाइप के सवाल। तो पहला सवाल है, 4 रुपये का 18% कितना होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रुपये को पैसे में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए 1 रुपया में होता है 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 100 को 4 से गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा 400 पैसे। ठीक है, अब 400 पैसे को 18% निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 400 का 18%। ठीक है, फिर लिखेंगे 400 का मतलब होता है गुना, फिर 18 बटे में 100। ठीक है, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा 4 × 18, इसे गुना करेंगे तो 18 चौक 72 पैसा। तो 4 रुपये का 18% कितना होगा, 72 पैसा होगा। दूसरा है, 2 केजी का 30% कितना होगा? तो सबसे पहले 2 केजी को ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 किलो में, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। अब 2000 ग्राम का 30% आसानी से निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2000 × 30/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब इसको गुना कर देंगे 20 और 30 को, तो ये आ जाएगा 600, तो ये आ गया 600 ग्राम। तो 2 किलो का 30% कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएगा। तीसरा है, 1 वर्ष का 25%। ठीक है, तो 1 वर्ष में होता है 12 महीना, 12 महीना, तो क्या करेंगे, 12 का 25% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 25/100। ठीक है, फिर 25 से यह 100 कट जाएगा 4 बार में, फिर 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया 3 महीना। तो 1 वर्ष का 25% कितना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। चौथा है, 300 का 35%, ये सिंपल है, तो लिखेंगे 300 × 35/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 × 35, तो 35 दिया हो जाता है 105, तो 300 का 35% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत के अलग अलग टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को